दोस्तों, सब छोड़ो, अमीर बनो मेरे दोस्त, नहीं तो जीवन भर पछताना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बीमारी के बारे में बताई गई है। तो चलिए इस कमाल के वीडियो को हम अभी और इसी वक्त शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, पानी से बीमारी क्यों होता है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है, पानी ढककर नहीं रखने से बीमारी होता है। इसीलिए पानी को कभी खुला में न रखें और ढक करके रखें कि कोई कीटा फतिंगा जो है उसमें न पड़े। दोस्तों सवाल नंबर 2, हरा धनिया की चटनी खाने से क्या फायदा मिलता है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है, हरा धनिया की चटनी खाने से शरीर में सूजन नहीं होती है और उसमें एक दो पत्ता लहसुन डाल देने से कभी शरीर में अच्छा और सुंदर पेट बना रहता है। इसीलिए पेट की सुंदरता के लिए हरा धनिया की चटनी ठंडी के मौसम में खूब खाना चाहिए खाना में। सवाल नंबर 3, अमीर आदमी कब बनता है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है, जब शिक्षा रहता है तब बनता है आदमी अमीर। बच्चे लोग पढ़ा लिखा रहता है घर में तभी अमीर बनते हैं आदमी, नहीं तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए बच्चे लोग को खूब पढ़ाना चाहिए। दोस्तों सवाल नंबर 4, घर में खाने के लिए अनाज क्यों नहीं रहता है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है, ज़्यादा आदमी के वजह से घर में अनाज नहीं रहता है खाने के लिए, इसीलिए महंगाई भी बढ़ती जा रही है। सवाल नंबर 5, लड़का लड़की को क्या खिलाने से दिमाग पढ़ने में तेज होता है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसका सही आंसर है, मिले तो सेब या दूध खिलाने से दिमाग जो है वो पूरा तेज हो जाता है बच्चे लोगों को। इसीलिए दूध खिलाइए या सेब खिलाइए, ये चीज़ें जो है उसकी त्वचा भी साफ रहेगा और चेहरे पे सुंदरता रहेगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, कि बीमारी के बारे में हमेशा जानकारी मिलती रहे।